एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो कि पूरे देश में गणेश पूजा की धूम मची हुई है। यह 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल होता है। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्न विनाशक और सभी सुखों को प्रदान करने वाला देवता माना गया है। हम सभी के घरों में कोई भी मंगल कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजा के बगैर हो ही नहीं सकती है। आई विश कि गणपति बप्पा हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गणेश पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मेकअप लुक मैंने गणपति पूजा के अवसर पे किया है। देखने से आपको पता चल रहा होगा। एक छोटी सी कोशिश है, होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे पहले से मैंने अपने स्किन को प्रेप कर लिया है। इसमें आप क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन लगाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अभी मैंने प्राइमर लगाया, उसके बाद लगा रही हूँ फाउंडेशन अपने स्किन से ट्रू मैच। डॉट डॉट करके लगा रही हूँ क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर देंगे। मैंने बेस बनाने के लिए एक थिन लेयर लगाई है फाउंडेशन की, क्योंकि फेस्टिव मेकअप में मैं प्रेफर नहीं करती बहुत ज़्यादा हैवी बेस बनाना। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग कंसीलर। आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास ब्रश नहीं हो तो इस तरह से फिंगर टिप से भी आसानी से लग जाता है। इसे लगाने के बाद थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे हाथों से ही। उसके बाद ऊपर से आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्यूटी स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ कॉन्टूर। आप पाउडर कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। स्पेशली इस सीजन में बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। फेस्टिवल्स में हम बहुत देर तक मेकअप लगा के इधर उधर घूमते हैं, तो मेकअप जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। ऐसे में अच्छा रहता है कि पाउडर वाले प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा यूज़ करें। ट्रांसलूसेंट पाउडर से बेस को सेट कर रही हूँ। सबसे पहले अंडर आई पे किया है, क्योंकि वहाँ पे और माउथ के अराउंड सबसे जल्दी क्रैक आ जाते हैं मेकअप में। यू कैन यूज़ कॉम्पैक्ट और सेटिंग पाउडर, जो भी आपके पास हो। मैं ये वाली वीडियो गणेश चतुर्थी से पहले डालने वाली थी, बट टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं हड़तालिका तीज करती हूँ। तो ये दोनों त्यौहार बैक टू बैक होते हैं, या एक ही दिन भी कभी कभी गणेश चतुर्थी और तीज भी हो जाती है, तो उसमें फास्ट रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी पड़ती है, इसलिए मैं लेट हो गई। जहाँ जहाँ पे कॉन्टोर किया है उसे ब्राउजर से सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, इतनी जल्दी आप कर नहीं पाओगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट आई विल अप्लाई ब्लश। मेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप सिर्फ एप्लीकेशन करके और छोड़ देंगे तो वो पैची पैची या अनइवन स्किन जैसा दिखेगा। ब्लेंड तो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो यू कैन टेक टाइम। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो बेहतर होगा मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा के उसके ऊपर लाइटली पाउडर अप्लाई कर लें, इतने सारे स्टेप्स फॉलो ना करें। नाउ मूविंग ऑन आई मेकअप एंड ब्रोज। तो सबसे पहले मैंने फिल कर लिया आईब्रोज को। अब इसको पुली की हेल्प से थोड़ा सा ऊपर की ओर कॉम्ब जैसा कर रही हूँ। इससे आईब्रोज सेट रहते हैं अपनी जगह पर। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सेट करने के लिए, बट मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसी से कर लेती हूँ। आपके पास अगर मस्कारा ड्राई हो चुका है तो उसके ब्रश से करेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप है। सबसे पहले ऑरेंज कलर का आई शेडो लगा लिया पूरे लिड पे, और उसके बाद अब लगा रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ से येलो कलर का आई शेडो। थोड़ा सा बढ़ा के ही लगाए, जहाँ पर हाईलाइट करते हैं वहाँ तक। आज मैं विंग लाइनर लगा रही हूँ, पूजा वाले लुक में अच्छा लगता है। मैंने ऑरेंज शेड में ही आई शेडो लगाया था, लेकिन लगाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी मुझे थोड़ा सा पिंकिश लग रहा है। नेक्स्ट अप्लाइंग काजल लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे। और यहाँ पे मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी। शुगर कॉस्मेटिक का ये काजल है, बट इसका कलर इतना इंटेंस नहीं है। मैंने यूट्यूब पर ही देख के मंगवाया था, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। कलर भी ब्लैक, जेट ब्लैक नहीं आ रहा है, और उसके बाद बार बार ये टूट जाता है। थोड़ा सा भी पुल करती हूँ तो बार बार टूट जाता। तीन चार टुकड़े हो चुके हैं इसके, जबकि दो से तीन बार सिर्फ मैंने इसे लगाया मेकअप में। नेक्स्ट कर्लिंग माई लैसेस एंड अप्लाइंग मस्कारा।
जब भी हम फॉल्सेस नहीं लगाते तो कर्लर से कर्ल करके मस्कारा लगाएं, अच्छा लुक आता है। कर्ल करके और 10 से 15 सेकेंड तक होल्ड करके रखना होता है, उसके बाद फिर दूसरी आंखों में इसी तरह से कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट योर इनर कॉर्नर एंड ब्राउन, ये आपके आई मेकअप को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, खूबसूरत बनाता। इनर कॉर्नर पे इसलिए नहीं किया कि पहले ही येलो कलर का शिमर मैंने लगाया है हाईलाइट की जगह तक आते हुए, थोड़ा सा आप देख सकते हैं आगे की ओर आते हुए लगाया था मैंने। अब साथ ही मैं पूरे फेस पे भी हाईलाइट कर लूँगी। सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट कर रही हूँ, एक बार और किया था जब बेस कंप्लीट हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद दिखा नहीं पाई मैं। अब लिपस्टिक की बारी है, तो मैंने आज डार्कर शेड चूज किया है, ऑरेंज शेड में है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा कलर भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। जल्दी से चेंज करके आ गई हूँ और इतनी ही देर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी, ह्यूमिड वाला वेदर है, तो इस तरह से टिश्यू से मैं डैप डैप करके इसको रिमूव कर रही हूँ। आप भी इसी तरह करना तो मेकअप बिल्कुल भी आपका हटेगा नहीं। ये ग्रीन और सिल्वर में नेकलेस सेट है मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत सा, तो आज यही वेयर कर रही हूँ और देखती हूँ कि येलो कलर की साड़ी के साथ कैसा लुक आता है इसका। तो जल्दी जल्दी से पूरा लुक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह का हेयर स्टाइल बना रही हूँ, बैक में लो बन बना लिया एक सिंपल सा, और एक छोटू सा गजरा है मेरे पास तो उसको लगा रही हूँ। आपके पास अच्छा वाला गजरा हो लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये वाला इयररिंग्स मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि इसका पीछे वाला जो पेच होता है लगाने वाला, वो अभी अभी खो गया। ज़्यादा हैवी नहीं है, दिखने में सिर्फ बड़ा लग रहा है, फिर भी बार बार निकल जा रहा था। एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश गणेश चतुर्थी मेकअप लुक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। येलो ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, घर में ही सारी चीज़ें थी, सभी को मिक्स एंड मैच करके आज का लुक क्रिएट किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।